नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ संबल 2.0 के बारे में। संबल 2.0 क्या है और इसके जो है क्या क्या फ़ायदे हैं और आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं और जिस व्यक्ति का बना है वो आगे अपने जो संबल कार्ड है उसको कैसे रिन्यू कर सकता है या उसमें कैसे वो पात्र हो सकता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम यहाँ पर सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संबल 2.0 जिसमें हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ़ोटो नज़र आती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्ड का सबसे पहला फ़ायदा है, जैसे हम स्टूडेंट अगर कोई है, जो विद्यार्थी है, अगर वो कोई कॉलेज में प्रवेश करता है तो उसकी जो प्रवेश जो शुल्क रहती है उसमें निःशुल्क होता है। इसी के साथ दूसरा जो इसका फ़ायदा है, जैसे बिजली बिल में इसमें माफ़ी मिलती है, जैसे किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ जाता है और सरकार की तरफ से अगर उसे कम माफ़ किया जाता है तो उसमें संबल कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में भी उसे जो है 2 लाख रुपए तक की मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति की ऐसे ही दुर्घटना हो जाती है, अगर उसके परिवार में उसके जो है खर्च उठाने के लिए कोई नहीं है तो उसके उनको जो है 5,000 रुपये तक की राशि उनको मिलती है। आप यहाँ पर जो है स्क्रीन में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना वाली मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उन्हें जो है 4 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलती है। और दिव्यांग, अगर कोई अपंग है या जो दिव्यांग है, हैंडीकेप है, उसे भी जो है 1 लाख रुपये तक की मुआवजा संबल कार्ड की तरफ से दिया जाता है। अब ये संबल कार्ड जो है पहले जब बनाए जाते थे 2018 में, तो ये पहले ऑफलाइन पंचायत के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अभी इसे जो है ऑनलाइन पूरा तरीके से कर दिया गया है। ऑनलाइन में सिर्फ आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जितने भी जो फॉर्म होते हैं, आप इसका एक फॉर्म है जो आप मेरे द्वारा उस फॉर्म का PDF आप ले सकते हैं और उस फॉर्म को भर कर अपने पंचायत या जनपद पंचायत में आप उसे जो है जमा कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो है बहुत सारे पटवारी के साइन उसमें लगेंगे और जो है सचिव के साइन लगेंगे, तब जाके जब उसकी सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद उस वो जो कार्ड है वो आपको इशू किया जाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भी इसके द्वारा दी जाती है, अंत्योदय प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो संबल की योजना के लाभ है, ठीक है ना, यहाँ पर आप वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। जो मुख्य जो लाभ है मैंने आपको बताया कि मुख्य 4 से 5 लाभ इसके हैं जिसे बनाना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है आवेदन किया जाता है, लेकिन आप इसे मोबाइल से आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल पे ये वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। अभी मैं अगर जिस व्यक्ति का संबल कार्ड बना है तो उस व्यक्ति का यहाँ पर चेक करके देखूँगा। यहाँ पर मैं समग्र आईडी, मतलब स्वयं की समग्र आईडी वहाँ पे हमें डालनी पड़ती है, तो मैं ऐसे 2 व्यक्ति की समग्र आईडी डालूंगा जिसका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है और ऐसे व्यक्ति की आईडी डालूंगा जिसका सत्यापन हो चुका है, जिसे कोई ना कोई लाभ मिला है। तो चलिए मैं समग्र आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना जो है आईडी यहाँ पर डाल दिया है। आईडी डालने के बाद मैंने यहाँ पर जो है अभी जो आवेदन किया है वो मैंने 5वें महीने में किया है, 22 तारीख को किया है और अभी इसका जो है पंजीयन जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके द्वारा चुने गए सदस्य का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेरा स्वयं का जो है दोस्तों ये संबल कार्ड मैंने अप्लाई किया था उसका है। अब मैं उस व्यक्ति का यहाँ पर डाल रहा हूँ जिसे कोई ना कोई संबल कार्ड में उसे फ़ायदा मिला है या उसे जो है उसका संबल कार्ड इशू हुआ है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को संबल कार्ड में लाभ मिला है और वो उनका कार्ड जो है इशू हुआ है नहीं, ये कैसे पता करेंगे। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये श्रमिक का पंजीयन 2018 में हुआ था और अभी भी ये वर्किंग में है। इसी के साथ इसका जो सत्यापन की स्थिति है इसमें यहाँ पर पात्र लिखा हुआ आ रहा है। इसी के साथ ही आप नीचे देख पा रहे हैं स्वीकृत लाभार्थी की सूची, मतलब इन्हें जो है बिजली के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इन्हें जो है लाभ मिला है, सब्सिडी मिली है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम
जो है संबल कार्ड के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप संबल कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाके इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं छोटी सी शुल्क, और इसे जो है आप फिर जो पंचायतों के द्वारा आप इसे जो है जमा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।